छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ताजा मामला शनिवार का है, जहां पत्रकार सतानंद जायसवाल को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किकिरदा में बच्चों द्वारा उपस्थित पंजीयन में उपस्थिति लेने की सूचना मिली थी, जिस पर स्कूल जाके पत्रकार ने उपस्थिति ले रहे बच्चों का वीडियो बनाया, जहाँ शिक्षक भी नदारद थे। कुछ देर बाद जब शिक्षक राजेश मनोहर आए तो इससे जानकारी लेनी चाहिए तो अपनी गलती को छुपाने के लिए उल्टा शिक्षक व स्कूल के बाहर से आए दिनेश द्वारा पत्रकार से बदसलूकी करने लगे व गुंडागर्दी करने लगे। साथ ही साथ जब पत्रकार द्वारा ऐसा करने से मना किया गया तो शिक्षक द्वारा उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती घसीटा भी गया व मोबाइल को भी उसे छीन लिया गया। बता दें कि पत्रकार से धक्का मुक्की करते हुए मारपीट करने लगे और बकायदा इसका वीडियो शिक्षक द्वारा बनाया गया व पत्रकार को बदनाम करने के लिए फर्जी पत्रकार वसूली बाज करके वीडियो को वायरल किया गया, जबकि वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि किस किस तरह से शिक्षक राजेश मनोहर द्वारा पत्रकार को घसीटा जा रहा है, मोबाइल छीना जा रहा है, साथ ही खुलेआम धमकी भी दी जा रही है कि वही पत्रकार पर हाथापाई करने की कोशिश भी की गई। बता दें कि इस मामले में उच्च अधिकारियों द्वारा अपने शिक्षक को बचाने का प्रयास भी किया जा रहा है, जो झूठी शिकायत किया गया है उसको ही इसी के मद्देनजर रख कर किया गया है। वही पत्रकार के साथ ही हाथापाई को लेकर छत्तीसगढ़ वेलफेयर यूनियन के बम्हनी डी ब्लॉक अध्यक्ष रौनक सराफ के नेतृत्व में पूरी पत्रकारों की टीम ने बिर्रा थाने पहुंचकर दोषी शिक्षक के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की। जी, मैं रौनक सराफ, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ वेलफेयर यूनियन बम्हनी डी से 6/3/2021 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की किरदा में न्यूज कवरेज करने गए सतानंद जायसवाल के साथ शिक्षक राजेश मनोहर व दिनेश वर्मन द्वारा धक्का मुक्की किया गया व उनके मोबाइल को छीना झपटी किया गया है, जिसका वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उनके द्वारा एक पत्रकार साथी के साथ किस तरह व्यवहार किया जा रहा है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। वो आज हम इस संगठन के साथ बिर्रा थाना में इसकी शिकायत करने दर्ज कराने आए हैं। समय के साथ ही इस पर उचित कार्रवाई किया जाना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं किया जाता है तो हमारा संगठन उग्र आंदोलन। जितेंद्र तिवारी, ब्लॉक प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ वेलफेयर यूनियन। अभी परसों नरसों की घटना है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के अनुपस्थिति को लेकर जानकारी मिली थी, जिस पर हमारे पत्रकार साथी सतानंद जी जायसवाल जाकर के वहाँ निरीक्षण करने के लिए, जानकारी एकत्रित करने के लिए पहुँचे हुए थे। वहाँ पर छात्राएँ उपस्थिति पंजी में बच्चों का नाम दर्ज कर रही थी, जिस पर उन्होंने वीडियो दर्ज किया। इस बीच शिक्षक अचानक पहुंचे और उसके साथ दिनेश बर्वन, जो कि बाहरी व्यक्ति था, वो भी आकर के वीडियो बनाते हुए और शिक्षक राजेश मनोहर जो है सदानंद जायसवाल जी के साथ धक्का मुक्की करते हुए उनके मोबाइल को छीनने का प्रयास किया। इसकी शिकायत हम आज बिर्रा थाना में आदरणीय थाना प्रभारी श्री खांड सर के पास आए हैं और इस पर उचित कार्रवाई हो, यही हमारी अपेक्षा है। यदि कार्रवाई नहीं होती है और दिनेश बर्मन और राजेश मनोहर के ऊपर यदि कार्रवाई नहीं होती तो हमारा यूनियन जो है उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी।